This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर वन जो कल दिया था उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x ओवर अंडर रूट x प्लस वन. x ओवर अंडर रूट x प्लस वन. सिंपल तरीका वही है, dy बाय डी एक्स. सबसे पहले क्वेश्चन रूल है तो नीचे वाली जो भी टर्म है उसका स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को एज इट इज लिखना है, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखनी है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लिखना. ये तो हमने रूल लिखा है. रूल चाहे तो आप लिखो या डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, एक ही बात है. सिर्फ अगर आपका फुल कॉन्फिडेंट हो डायरेक्ट अप्लाई करने में तो कर दिया करो, वरना रूल एक दफा लिख लिया करो. अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, एक्स प्लस वन ऊपर आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन और एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस x as it is, अंडर रूट का जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है 1 over 2 अंडर रूट x plus 1 और फिर बगैर अंडर रूट के डेरिवेटिव, फिर बगैर अंडर रूट के डेरिवेटिव. ओके होगी बात. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ऊपर वाले फंक्शन का एलसीएम आ रहा है, नीचे तो एज इट इज आ गया ना, एक्स प्लस वन टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो टू एज इट इज एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स. अब जनाब हमारा आंसर आने लगा है, टू को अंदर मल्टीप्लाई करें ओवर टू अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन. तो टू एक्स में से एक्स माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस टू ओवर टू अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन. एक आंसर तो ये पॉसिबल है. आपको पता है इसके जब भी अंडर रूट नीचे आता है हम इसके मजीद दो पॉसिबल आंसर और बना लेते हैं. एक आंसर इसका ये भी बन सकता है एक्स प्लस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाय टू, और दूसरा आंसर इसका यह भी बन सकता है कि x प्लस टू ओवर टू अंडर रूट x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वन ओवर जी. तो इसका आंसर क्या बनेगा फिर, x प्लस टू इंटू अंडर रूट x प्लस वन ओवर 2x प्लस वन और x प्लस वन का ये स्क्वायर हो जाएगा. ओके होगी बात. तो जनाब ये क्वेश्चन था आप लोगों का दो नंबर का. इन तीनों में से आपका जो भी फिलहाल आंसर है वो ठीक समझा जाएगा. तो ये क्वेश्चन आपका दो नंबर का होगा. अगर जिसके दो नंबर हैं तो आप इसको लिख लें. ठीक हो गया. अयाज का सवाल है कि सर जो कोई डिवाइड हो रहा होता है तो उसे ऊपर ले जाते हैं ना सर, अगर वो नीचे दोनों फ्रैक्शन में नीचे डिवाइड हो रहा हो तो ऊपर लेकर जाते हैं, और ऊपर अगर डिवाइड हो रहा हो तो वो नीचे लेकर आते हैं. दोबारा देख लें, ये मैंने कल भी बताया था, फिर एक दफा बता देता हूं.
ये देखें रूल ये है, अगर ए ओवर पी ओवर एम लिखा हुआ है तो ये जनाब ऊपर डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा ए ओवर एम पी, लेकिन अगर नीचे डिवाइड हो रहा हो ए ओवर पी ओवर एम तो ये ऊपर चला जाता है ए एम ओवर टी, तो ये रूल है। चले जनाब आप अपने आंसर को देखें कि अगर इन तीनों में से कोई आपका आंसर आया तो आपके दो नंबर होंगे, और अगर नहीं है तो फिर आपका कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके स्टेप के मार्क्स नहीं होते। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने तो एमसीक्यूज हैं और जो आंसर ठीक होगा बस वही पुट करना होता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर टू, जी दूसरा क्वेश्चन है जनाब हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन ओवर एक्स। अंडर रूट एक्स प्लस वन ओवर एक्स, सवाल कुछ उसी नेचर का ही है, डी वाई बाय डी एक्स नीचे वाली जो भी टर्म है उसका स्क्वायर और नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ओके होगी बात। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स आता है और डेरिवेटिव अगर हम लेंगे अंडर रूट का तो वन ओवर टू अंडर रूट एक्स प्लस वन और फिर बगैर अंडर रूट के डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस वन और एक्स का डेरिवेटिव वन। एक्स स्क्वायर एज इट इज टू अंडर रूट एक्स प्लस वन एलसीएम आ गया, अब यहां पर एक्स एज इट इज आएगा माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, टू एज इट इज आ गया और एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल हो गया तो बाकी एक्स प्लस वन बच गया, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू ओवर टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो टू माइनस एक्स माइनस टू ओवर 2x square under root x plus 1। मजीद इसको सिंप्लीफाई, ये आंसर भी एक ठीक है, जहां तक अगर किसी ने सॉल्व किया है तो वो भी बिल्कुल ठीक है, माइनस बाहर कॉमन ले लिया है किसी ने तो वो भी आंसर ठीक है, तो जनाब इसके मार्क्स भी 2 बाय 2 हैं, तो आपने ये बताना है कि आपके कितने नंबर हैं। चैलेंज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे
तीसरा क्वेश्चन है हमारा x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। जी जनाब, फर्दर अब्दुलरहमान कहता है कि सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, हमने तो उस हद तक सॉल्व करना है जब तक के हमारा आंसर ना आ जाए dy by dx। जी जनाब, dy by dx ये कल सवाल किया था, दोबारा सवाल देने का मकसद यही था कि आप इसमें वो y फॉर्म में आंसर फाइंड करने की प्रैक्टिस हो जाए हमारी। आपको याद होगा कि ये सवाल एज इट इज मैंने दिया है सिर्फ इसलिए ताकि y फॉर्म में सॉल्व करने की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया है y फॉर्म में? y फॉर्म का मतलब यह है कि आंसर y फॉर्म में देना था कि आंसर के अंदर y आए, चलें जी देखते हैं फिर। वैसे तो करवाने की जरूरत नहीं है कि कल ये क्वेश्चन आपके रजिस्टर पे सॉल्व हुआ हुआ है तो आप ये वहां से ही देख सकते हैं। अगर किसी को समझ नहीं लगी तो मैं करवा देता हूं, कोई ऐसा बंदा चाहता है कि ये दोबारा करवाया जाए? एनीवन? शायान की ख्वाहिश है कि ये दोबारा करवाया जाए तो जरा गौर फरमाएं। नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर लिया तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। x स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, ऊपर आ गया x स्क्वायर प्लस वन, यहां पर x था तो x का डेरिवेटिव वन, माइनस x एज इट इज वन ओवर टू x स्क्वायर प्लस वन और फिर बगैर अंडर रूट के डेरिवेटिव 2x, बगैर अंडर रूट के डेरिवेटिव 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और एलसीएम ले लो, बाकी तो सारा प्रोसीजर वही है जो नॉर्मल चल रहा है। x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ गया तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो बच गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x और इसका भी x। डन। अब हमारे पास आ गया जनाब एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री बाय टू। और एग्जाम के अंदर ये आंसर है ही नहीं, एग्जाम के अंदर आंसर सारे वाई फॉर्म में है। जब भी आपके आंसर के अंदर वाई की वैल्यू आ रही हो इसका मतलब है आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मतलब कुछ वैल्यू रिप्लेस करनी है। क्वेश्चन हमारा है ये वाई इज इक्वल टू, और आंसर हमने जो आंसर के अंदर लिखा हो ना एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री बाय टू, ये वैल्यू फाइंड करनी है। कर लेते हैं, इसको इधर आकर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स। मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन बाय को लिख सकता हूं पावर वन बाय टू? क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट को
पावर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 1/2। अब दोनों साइड पर क्यूब ले लो, दोनों साइड पर क्यूब ले लो तो इस साइड पर आ जाएगा 3/2। अब देखो जरा, मैं इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ रहा होगा 1/(x³/y³) होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर है। इनको की बात जनाब यहां तक, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 रिपीटेड क्वेश्चन था, ये मैं नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं। जी जनाब, ये लास्ट दो क्वेश्चन के तीन तीन नंबर है, लास्ट दो क्वेश्चन के तीन तीन नंबर हैं, पहले तीन क्वेश्चन के दो दो नंबर हैं, टोटल 12 मार्क्स। अब जरा इसको देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, x²-9/√x। आपको याद है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a²-b²। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a²-b²। तो x+3 × x-3 बराबर आ गया x²-3² x²-3² तो वो कितना आ गया x²-9। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, त्रिकाकार वही है, जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है उसका स्क्वायर, तो 1√ कैंसल हो गया, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ओके की बात, जी अब इसका मजीद आप डेरिवेटिव लेते जाते हैं। अंडर रूट एक्स तो एज इट इज आ गया 2x-(x²-9)/(1/2) अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। जी जनाब, अब इसका एलसीएम ले लें, वही त्रिकाकार सारे वही है, 2√x एलसीएम आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और √x मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, √x से मल्टीप्लाई हो गया, √x से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया और दूसरा x एज इट इज आ गया -x²-9। लो जनाब, 2x√x नीचे, 4x²-x²-9, 3x²-9/(2x√x). तो जो पहला आंसर है हमारा
थ्री गामा ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ओवर टू एक्स अंडर रूट एक्स। ये प्लस नाइन आएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब फर्दर दो आंसर कौन कौन से हैं? एक आंसर इसका थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओवर टू एक्स की पावर थ्री बाय टू, और दूसरा आंसर इसका थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ओवर 2x अंडर रूट x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट x ओवर अंडर रूट x। तो 3 इनटू x स्क्वायर प्लस 3 इनटू अंडर रूट x ओवर 2x, ये हमारा आंसर आ गया। लो जनाब, अब आप अपने टोटल मार्क्स बताएं मुझे पांचों में से, कि 12 में से आपके कितने मार्क्स। जी जनाब, सबके ही 12 है, किसी का कम नंबर नहीं है। किसी ने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 कल करवा दिया था, कल क्वेश्चन नंबर 5 करवाया हुआ है। अब आ जाए जनाब, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल, एक्सपोनेंशियल रूल है क्या? जब भी आपके पास e की पावर में कुछ हो तो समझो एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई होगा। जब भी आपके पास e की पावर में कोई भी चीज इस्तेमाल हो रही हो तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? एक्सपोनेंशियल रूल। तो ये जो पहले मैथ पढ़ के आया है उनके लिए तो ये बच्चों वाला रूल है, लेकिन जो मैथ पहले पढ़ के नहीं है उनको सीखने की जरूरत है। तो करें स्टार्ट जनाब। चलें जी, तो जनाब अगर हमारे पास लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा किस तरह से लेंगे? एक दफा ई की पावर एक्स को एज इट इज लिखेंगे, एक दफा ई की पावर एक्स को एज इट इज लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ उसकी जो पावर होगी, आगे तो हम जाकर डायरेक्टली लिया करेंगे, दोबारा देखें, एक दफा e की पावर x एज इट इज, एक दफा e की पावर x एज इट इज, और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, तो ये आंसर आ जाएगा e की पावर x। दो छोटे छोटे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Suppose that y is equal to है e की पावर 5x square plus 1, e की पावर है 5x square plus 1, तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं dy by dx, एक दफा तो e की पावर को as it is लिखते हैं जैसे क्वेश्चन हो, फिर जो उसकी पावर होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे, एक दफा e की पावर एज इट इज, फिर जो भी उसकी पावर होगी उसका डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव वही सिंपल पुराना e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 1, और 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x, 5x का स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x, तो जनाब आंसर आ गया 10x e की पावर 5x स्क्वायर प्लस 1।
ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत हरगिज नहीं है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेकर लिख सकते हो। जैसा कि एक सवाल है, y इज इक्वल टू e की पावर -4x² + 10। जी मेरे भाई, मुझे इसका आंसर बता दो। जी जनाब, इसका आंसर वही बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स, पहले एक दफा e को एज इट इज लिखेंगे, e की पावर -4x² + 10, फिर जो पावर में होगा उसका डेरिवेटिव। अब हम डायरेक्ट लेंगे, लिखेंगे नहीं, पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -8x + 10, और 10 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, -8x e की पावर -4x² + 10। धन्यवाद की बात। फिर एक क्वेश्चन और लिखें, बिल्कुल छोटा सा, y इज इक्वल टू e की पावर -ax, इसका डेरिवेटिव बताएं। हाँ जी जनाब, इसका डेरिवेटिव आएगा जनाब डी वाई बाय डी एक्स। एक दफा तो ई को एज इट इज लिखते हैं, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा -a। उसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -a। वो बात समझ लगी ना, क्योंकि -ax है ना, -ax है। ओके की बात। और जिस जिस का ये ठीक नहीं है वो जल्दी से इसको ठीक करे। चले जी, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके लिखें तो आंसर आ जाएगा -a e की पावर -ax। ये एक एक नंबर का पेपर में सवाल आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए। या वाई इज इक्वल टू, ये सवाल बताएं जरा, इसका आंसर क्या होगा। ओके की बात। चलें जी, तकरीबन सबका आंसर ही ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स। एक दफा ई की पावर -x एज इट इज, फिर -x का डेरिवेटिव -1, -x का डेरिवेटिव -1।
वन, और जब हम इसको लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स। डन होगी बात। अगले सवाल पे चलते हैं। जी जनाब, नेक्स्ट हमारा सवाल है जनाब, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर। मतलब क्या है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो करते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई जरा। जी डी वाई बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, फिर दूसरी टर्म एज इट इज पहली टर्म का डेरिवेटिव। अब हमने डेरिवेटिव ले लिया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता ही ई की पावर एक्स है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता ही ई की पावर एक्स है, प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब देखो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 2x, एक्स ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, एक्स ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, तो फिर बाकी क्या बच गया, यहां पर x बच गया और यहां पर 2 बच गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। डन होगी बात। चलें जी, एक और सवाल आप मुझे लिखकर दे दें बस। y इज इक्वल टू ई की पावर x ओवर x, सॉल्व करो जरा इसको। हाँ जी जनाब, आंसर आने लग गए हैं। तो डी वाई बाय डी एक्स, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, ये तो हमने लिख दिया रूल। अब डेरिवेटिव जिसके साथ लिखा हुआ है डेरिवेटिव ले ले, एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो आंसर आ गया जनाब, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, ये हमारा आंसर। डन। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल रूल। नेक्स्ट है हमारा लॉग का रूल, कि डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स किसके बराबर होता है। एल एन एक्स का डेरिवेटिव मतलब लॉग जिसके साथ भी लगा होगा आपने उसका डेरिवेटिव क्या लिखना है, वन ओवर फंक्शन,
जो भी फंक्शन होगा, पहले हम क्या करेंगे, वन ओवर वो फंक्शन लिख देंगे एज इट इज। पहले हम क्या करेंगे, वन ओवर फंक्शन वो लिख देंगे एज इट इज, कुछ भी और नहीं लिखेंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ वो जो फंक्शन होगा वो, दोबारा सुने, पहले फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन एज इट इज, ठीक हो गया, पहले फंक्शन एज इट इज, फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स। अब मजीद इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू एल एन टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एल एन टू एक्स प्लस वन, तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, जी डी वाई बाय डी एक्स एक दफा वन ओवर टू एक्स प्लस वन और फिर डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस वन। मतलब क्या कि हम एक दफा डेरिवेटिव को एज इट इज लिखेंगे, वन ओवर दैट फंक्शन, वन ओवर दैट फंक्शन, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर टू एक्स प्लस वन और टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव टू, तो आंसर आ गया टू ओवर टू एक्स प्लस वन। फिर एक और क्वेश्चन लिखो जरा, वाई इज इक्वल टू एल एन फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन, जल्दी से इसका डेरिवेटिव लिखो, जी हाँ जी, तकरीबन तकरीबन ठीक आंसर आ रहा है सबका, डी वाई बाय डी एक्स। अब जरा गौर फरमाए, एक दफा वन ओवर फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन, ओके, फिर डेरिवेटिव ऑफ, चाहे लिखें या डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें, एक ही बात है। अब वन ओवर फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन, इसका डेरिवेटिव आ गया 8x, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 8x। अब चाहो तो 8x ओवर 4x स्क्वायर प्लस 10 एक आंसर, 8x ओवर नीचे 2 कॉमन आ रहा है, तो आप ये कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 4x ओवर 2x square plus 5, ये भी आंसर इसका ठीक है और ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके की बात जनाब, चलें जी। अब ये ln x भी प्रोडक्ट रूल में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये क्वेश्चन रूल में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन होगा जहां भी एल एन एक्स का डेरिवेटिव वही आएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2x ये है क्वेश्चन, वन ओवर पहले फंक्शन लिखा फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर 2x प्लस वन का डेरिवेटिव 2 होता है, तो आंसर लिख दिया। ठीक है जनाब,
तो आप कुछ क्वेश्चन मैं आपको देने लगा हूं जो आपने कल करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन है जनाब, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू ओवर अंडर रूट एक्स। तीसरा क्वेश्चन है जनाब, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स। चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। और पांचवा सवाल है y इज इक्वल टू एक्स e की पावर एक्स एल एन एक्स। तो जनाब ये पांच क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन बैंक जो आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8, वो आपने कंप्लीट करना है। ये पांच क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट 8, ये आपने कंप्लीट करना है। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।